आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई खत्म हो गई है। सबसे आखिर में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी गईं। अब सुप्रीम कोर्ट ने लिखित हलफनामा मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को लिखित में जमा करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि नक्शे से लगता है कि राम चबूतरा अंदर था। इस पर राजीव धवन ने कहा कि दोनों ओर कब्रिस्तान है। राजीव धवन ने कहा कि चबूतरा भी मस्जिद का हिस्सा है, सिर्फ इमारत ही नहीं बल्कि पूरी जगह ही मस्जिद का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वो मस्जिद थी, हमारी थी और हमें पुनर्निर्माण का अधिकार है। इमारत भले ही ढहा दी गई हो लेकिन मालिकाना हक हमारा ही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मुस्लिम पक्ष को एएसआई का नक्शा समझाने के लिए कहा। इस बीच बहस के दौरान नक्शा फाड़ने की बात वायरल हो गई। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि ये वायरल हो गया है कि मैंने कोर्ट में नक्शा फाड़ा, लेकिन मैंने ये कोर्ट के आदेश पर किया। मैंने कहा था कि मैं इसे फेंकना चाहता हूं, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि तुम इसे फाड़ सकते हो। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने कहा था कि अगर आप फाड़ना चाहें तो फाड़ दें। पीएन मिश्रा ने सुनवाई में ट्रेफन ट्रेलर और निकोलो मनुची जैसे 16वीं सदी में आए विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का जिक्र किया, जिसमें मंदिर का तो जिक्र है पर मस्जिद का नहीं है। ब्रिटिश गजेटियर में भी राम मंदिर का ही जिक्र है। इस दौरान जस्टिस बोबड़े ने क्रोनोलॉजी बताने को कहा तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिमिटेशन का सवाल उठाया। पीएन मिश्रा ने कहा कि 1934 में हमारे पूजा के अधिकार पर पहला हमला हुआ, इसके बाद इस केस की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ सरकार से खासे नाराज हैं। शिवराज सिंह ने कांग्रेस सरकार को इतिहास की भ्रष्टतम सरकार बताया। शिवराज सिंह ने कहा कांग्रेसियों की मानसिकता क्या है, एक मंत्री आकर कहता है कि ट्रांसफर के रेट इतने हैं, दूसरा कहता है कि इतने नहीं इतने हैं, कोई भी कुछ भी बोलता है। ये इतिहास की भ्रष्टतम सरकार है, मध्य प्रदेश को चील और कौओं की तरह नोच नोच कर खा रहे हैं। ये मंत्री है जो सड़कों की तुलना गालों से करते हैं, इसी से सिद्ध होता है कि कांग्रेसियों की मानसिकता क्या है। एक मंत्री आकर कहता है कि ट्रांसफर के रेट इतने, दूसरा कहता है इतने नहीं इतने। अरे ट्रांसफर के रेट तो कम से कम बैठ के तय कर दो इकट्ठे, अलग अलग कोई भी कुछ तो भी कर रहा है। हालत क्या हो गई, भ्रष्टतम सरकार है, इतिहास की भ्रष्टतम सरकार, मध्य प्रदेश को चील और कौओं की तरह नोच नोच कर खा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं ऐसा नेता नहीं जो इन्वेस्टर समिट के समय मध्य प्रदेश की आलोचना करूं, मुझे मध्य प्रदेश की चिंता है। मैं उद्योगपतियों से अपील करता हूं कि आइए मध्य प्रदेश में निवेश करें, यहां रोजगार के अवसर उत्पन्न करें, हम प्रदेश का हित चाहने वाले लोग हैं। मैं ऐसा नेता नहीं हूं जो ये इन्वेस्टर समिट के समय में मध्य प्रदेश की आलोचना करूं, मुझे मध्य प्रदेश की चिंता है। और इसलिए मैं उद्योगपतियों से अपील करता हूँ, वो आए मध्य प्रदेश में निवेश करें, यहाँ रोजगार के अवसर उत्पन्न करें। और इसलिए मैं इन्वेस्टर समिट के समय मैं इसका विरोध नहीं करूँगा। मध्य प्रदेश में सड़कों की अनदेखी के कारण सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। पिछले 10 महीने में कमलनाथ सरकार ने सड़कों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे में रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। कमलनाथ के मंत्री काम करने के बजाय सड़कों की दुर्दशा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोसते नजर आए। मध्य प्रदेश की बदहाल सड़कों पर अब सियासत हो रही है। सबसे पहले भोपाल में मंत्री और अधिकारियों ने शहर का जायजा लिया। गड्ढों में फोटो खिंचवाने में व्यस्त मंत्रियों ने गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों की सुधिया सुधार कार्य की जानकारी तक अधिकारियों से नहीं ली। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शहर में बदहाल सड़कों के निरीक्षण के दौरान जमकर पूर्व की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमेरिका तो भाजपा नेता हेमा मालिनी की तरह प्रदेश में सुंदर सड़कें होने का दावा करते थे, लेकिन सड़क निर्माण में धांधली के कारण प्रदेश की सड़कों की हालत कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे की तरह हो गई है। ये पिछली सरकार में बनी हुई सड़कें हैं, ये भ्रष्टाचार की कहानी है। गड्ढे खुद बोल रहे हैं
और शिवराज भैया जगह जगह घूम के बोल रहे हैं कि सड़कें टूट गई। अरे भैया, तुम्हारे राज में तुम्हारी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ और तुम्ही खुद चोर मचाए शोर वाली कहावत है ना, चोर मचाया शोर, वो समझता है कि मैं शोर मचाऊंगा तो मुझे चोर नहीं समझेंगे, पर सबसे बड़ा चोर तो शिवराज चौहान है जिसके राज में घटिया सड़कों का निर्माण हो। कि ये वाशिंगटन की और न्यूयॉर्क की जो सड़कें बनी थी, थी कैसी, क्या हो गया, एक पानी गिरा जम के और यहाँ गड्ढे गड्ढे हो गए, चेचक के दाग जैसे हो गए, वो कैलाश कैलाश विजयवर्गीय के हो गए ये, तो वो देखने हम निकले हैं। और सज्जन भाई के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आदेश पे, जैसा उन्होंने कहा 15 दिन में ये सड़कें पूरी होंगी। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश में खस्ता सड़कों का जिम्मेदार पूर्व की सरकार को बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खस्ता सड़कों की स्थिति का कारण इनके निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार है। भाजपा शासन में इन सड़कों का निर्माण कराया गया था, अब इनकी जाँच कराई जाएगी, इस आधार पर इनकी शिकायत ईओडब्ल्यू में भी दर्ज करवाई जाएगी। मंत्रियों के निरीक्षण की भनक लगते ही सड़क का सुधार कार्य शुरू कर दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह ने बताया कि सड़कों के सुधार के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता राज्य सरकार ने मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार मदद नहीं मिली। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है जो विधायक वापस बीजेपी में गए हैं उनकी अभी आवश्यकता नहीं थी, और जब फ्लोर टेस्ट होगा फिर देख लेना, ये लोग फ्लोर टेस्ट वाले हैं, ये मदद उस समय करते हैं जब फ्लोर टेस्ट होगा। पीसी शर्मा ने कहा झाबुआ का चुनाव कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार 5 साल चलेगी। फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, ये सब होगा फ्लोर टेस्ट पे, पहले से क्यों बताएंगे। फ्लोर टेस्ट जब होगा तब आप देखोगे, ये भी आएंगे फ्लोर टेस्ट जब होगा। भाई ये तो अभी गए डेपुटेशन पे थोड़े दिन के लिए, वो जैसे फ्लोर टेस्ट होगा फिर देख लेना। जो छापे की कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, आलोक खरे की असलियत भी सामने आ रही थी। भोपाल, रायसेन, इंदौर, ग्वालियर और छतरपुर स्थित कई ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की टीमों ने छापा मारा। प्रारंभिक तौर पर पड़ताल में खरे के पास करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ, लेकिन शाम होते होते करोड़ों का आंकड़ा 100 करोड़ से पार चला गया। लोकायुक्त की जांच टीमों को फार्म हाउस, आलीशान बंगले, कई प्लॉट, कृषि भूमि, ऑफिस, लग्जरी कार, 79 लाख रुपए कीमत का सोना, 6 लाख रुपए कीमत की चांदी और 15 लाख रुपए नगद सहित करोड़ों रुपए मूल्य की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस की इस सबसे बड़ी रेट में खरे के पास भोपाल रायसेन में 110 एकड़ जमीन है, इसमें से 70 एकड़ रायसेन में है। रायसेन शहर से सटे ग्राम मासेर और डबरा इमलिया में लग्जरी फार्म हाउस बना रखे हैं, जिनकी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है। मासेर में फार्म हाउस के गेट पर 6 लेयर वायरिंग डालकर करंट छोड़ा गया था, इसीलिए लोकायुक्त टीम को गेट खुलवाने में मशक्कत करनी पड़ी। इनके अलावा 16 बैंक अकाउंट आलोक खरे व 22 उनकी पत्नी मीनाक्षी खरे के नाम पर SBI, ICICI व बैंक ऑफ इंडिया में मिले। सभी अकाउंट व लॉकर को सीज कर दिया गया है। धार जिले में आबकारी अधिकारी और RTI कार्यकर्ता की कथित बातचीत जिसमें मंत्री व विधायकों को शराब ठेकेदार पैसा दिए जाने को लेकर मचे बवाल की जांच, यह करप्ट शिकारी खरे ही कर रहा था। भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने वाले अफसर व खुद भ्रष्टाचार के मामले में फंसने को लेकर दिन भर चर्चा चलती रही। लोकायुक्त पुलिस का कहना है इस अधिकारी के पूरे कार्यकाल की तनख्वाह भी जोड़ ली जाए तो 1 करोड़ रुपए के आसपास होती है। इस शख्स के बारे में लोकायुक्त को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। अपनी जांच में लोकायुक्त पुलिस ने पाया कि यह अपनी काली कमाई को अपनी पत्नी की कृषि आय के रूप में दिखाता था।
और मैं तो जैसे कहता हूँ कि पूरी 10-15 वर्ष की जांच प्रत्येक चाहे कांग्रेस का पार्टी का नेता हो या राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे भाजपा का है चाहे कांग्रेस का किसी भी दल का हो, उनके पूरे 15 साल से एक अलग विभाग गठन किया जाए और पूरा 15 वर्ष पहले क्या आमदनी थी, आज क्या हुई, कहाँ से आई, इसका स्पष्ट उल्लेख हो और गहराई से वो विभाग जांच करे, खासकर राजनेताओं की और शासकीय अधिकारियों की कर्मचारियों की, और उसमें जो भी आ जाए उनको कम से कठोर कानून बनाकर उनको जेल में डालने का काम हो, जेल भी ऐसी हो जैसे काला पानी पे। अरनपुर थाना क्षेत्र के कोंडा सावली कमल पोस्ट सीआरपीएफ कैंप के करीब नक्सलियों ने फायरिंग की। इसका जवाब जवानों ने जबरदस्त तरीके से दिया। जवाबी कार्रवाई से नक्सली जंगल और पहाड़ की आड़ लेकर भाग निकले। इसके बाद आसपास सर्चिंग के दौरान मौके से 2 भरमार बंदूक और गोलियों का पाउच सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। इसकी पुष्टि सीआरपीएफ के डीआईजी डीएन लाल ने की है। माना जा रहा है कि मुठभेड़ में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। उनके मारे जाने या घायल होने की बात कही जा रही है। कटे कल्याण इलाके में ही नक्सलियों की मौजूदगी की खबरें पुलिस को मिली हैं। इसे ध्यान में रखकर डीआरजी की टीम को कटे कल्याण के मारजूम चिकपाल इलाके में भेजा गया है। बहरहाल क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी गई है। सुरक्षा बल का दबाव बढ़ने से नक्सली जंगल की ओर भाग निकले हैं। शिवपुरी का जिला अस्पताल कभी काम के मामले में नंबर 1 था, लेकिन अब यहाँ संवेदनाएं बढ़ चुकी हैं। भावनाओं का कत्ल कर दिया गया है। इस दृश्य को देखिए, इन आंखों को देखिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। ये एक शव की आंखें हैं। यह शव अस्पताल के बेड पर घंटों पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को क्या, पलंग पर चढ़ते हुए चींटी ने इस शव को कब्जा कर लिया। चींटियां शव की आंखों में पहुंच गई, लेकिन आपके विभाग के संवेदनहीन स्टाफ को इससे क्या लेना देना। इस शख्स की मौत कब हुई किसी को कुछ नहीं पता। मेडिकल वार्ड के पलंग पर शव की आंख पर चींटियां रेंगती नजर आने लगी। तब लोगों ने स्टाफ को बताया, लेकिन तब भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिला अस्पताल इसे साधारण मौत बता रहा है, लेकिन इंसानियत के नाम पर यह घटना शर्मसार करने वाली है। मरीज ने जब दम तोड़ा तब उसके साथ कोई परिजन मौजूद नहीं था। फक्कड़ कॉलोनी में रहने वाले बालचंद्र लोधी इलाज के लिए 2 दिन पहले जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती हुए थे। उनकी कब मौत हुई किसी को पता नहीं। आसपास के मरीजों ने दिन में अस्पताल के स्टाफ को इसकी जानकारी दी। इस घटना की जानकारी मृतक की पत्नी रामश्री को मिलने के बाद वे अस्पताल पहुंची। मौके पर मौजूद मरीजों के मुताबिक ऐसे में रामश्री ने ही पल्लू से चींटियां आंख से हटाई। बाद में अपने पति के शव को जैसे तैसे मरीजों के सहयोग से वो घर लेकर गई। मंत्री तुलसी सिलावट जी, अगर आप इस तरह वक्त बदलना चाहते हैं तो इस पर लानत है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में प्रस्तावित 29 बड़ी बांध परियोजना में मोरंड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना निर्माण के लिए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए टेंडर निकाल दिया है और डूब क्षेत्र के ग्रामीणों को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। जानकारी नहीं देने व टेंडर जारी करने के विरोध में हरदा जिले के डूब में आने वाले गाँव बोथी, कायरी, डोमरा, महुखाल के सैकड़ों लोग परियोजना की विस्तृत जानकारी मांगने व टेंडर निरस्त करवाने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का ज्ञापन लेने जब एसडीएम आए तो ग्रामीण कलेक्टर से मिलने के लिए अड़ गए। लगभग 3 घंटे तक कलेक्ट्रेट गेट के सामने नारेबाजी करते रहे, तब जाके कहीं कलेक्टर खुद मिलने आए और आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर संबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी मंगवा कर ग्रामीणों को दी जाएगी। जिंदगी बचाओ रैली के नाम से एक ज्ञापन इन्होंने दिया था कि हम रैली करेंगे, तो वो रैली जो है लेकर के आ जाए हैं। और ये जो आज मुझे ज्ञापन दिया है, इसमें जो मोरन गंजाल सिंचाई परियोजना है उसमें जो बांध बन रहा है उसमें शायद धूप में जो गांव जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में ये लोग रैली लेकर के आए हैं। कलेक्टर साहब से बात कराते हैं इनकी और ये क्या चाहते हैं वो उनसे चर्चा हो जाएगी, उसके बाद में जो भी हल निकलेगा वो आगे की कार्रवाई। वहीं जिंदगी बचाओ अभियान की शमारूक धारा ने बताया कि इस परियोजना में अभी तक ना तो पर्यावरणीय मंजूरी मिली है और ना ही फॉरेस्ट क्लियरेंस, फिर भी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा बांध निर्माण के लिए 1808 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया। कानून का उल्लंघन किया गया है। इस परियोजना से हरदा, होशंगाबाद एवं बैतूल जिले में 2371.14 हेक्टेयर का घना
जंगल डुबाया जा रहा है, जबकि इतने बड़े पैमाने पर वन भूमि को खत्म करने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में ये आदिवासियों को अंधेरे में रखकर एक और बांध की तैयारी की जा रही है। डैम बनाना चाहता है लेकिन हम नहीं बनने देंगे। हमारा जमीन जंगल सब जा रहा है ना सर, इसका 23 गांव है लेकिन हम 3 गांव का तो पहले जा रहा है, पायरी, बोथी और मोका। क्या हुआ कि अभी तक हम लोगों का सर्वे नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि यह डैम नहीं बने, और अगर बनता है तो हम लोगों के लिए पहले व्यवस्था बने, पश्चात ही पूरी व्यवस्था बने। डैम चाहिए ही नहीं हमको। 500 लोग 4 बनगांव से आए ये पूछने कि सर हमारा जमीन डूबेगी क्या, हमारा जंगल डूबेगी क्या। ये सब जंगल के अंदर की लोग हैं, आदिवासी हैं, सबके सब कोरकू और गोंड है। कलेक्टर सर ने बोला है कि आपकी कोई गांव जो है डूबने नहीं आएगी, है ना, ना तो बोथी डूबेगी, ना तो कायरी डूबेगी, ना तो बहुकाल डूबेगी। हमने सर से मांग की कि ये चीज आप जो बोल रहे हैं ये हमको लिखित में उपलब्ध कराएं। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र के पिपरिया गोपाल गांव में एक तरफ बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना से बने तनाव और दूसरी तरफ राजीनामा के लिए बनाए जा रहे दबाव को पिता सहन नहीं कर सका और उसने दुनिया ही छोड़ दी। नाबालिग छात्रा के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट पर शासकीय स्कूल की प्राचार्या और जैन समाज के अन्य व्यक्तियों के नाम लिखे, जिनके बाद पुलिस ने धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं की नाबालिग छात्रा ने अपने ही स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ के खिलाफ पास्को का मामला दर्ज करवाया था। मामला गंभीर होने पर संबंधित शिक्षक पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। घटना के बाद जैन समाज द्वारा SP व स्कूली छात्राओं द्वारा शिक्षक के पक्ष में तहसीलदार व थाना को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक निर्दोष है की बात कही गई थी। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा के पिता द्वारा शनिवार की रात ग्राम के कुछ दूरी पर ही एक टावर के खंभे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अपने खेत में लगे टावर में फांसी लगा ली है। सूचना पर मर्ग कायम कर मौके से जांच की गई। जांच के दौरान उनके शर्ट की जेब से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें ये लिखा है कि साला की प्राचार्य और अन्य लोग उन पर लगातार राजीनामा और इसके लिए दबाव बना रहे थे, जिससे वो अपने आप को प्रताड़ित और काफी अपमानित महसूस कर रहे हैं। छतरपुर के लवकुशनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप का मामला सामने आया है। घटना पीरा गांव की है। नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ खेत से घर आ रही थी, तभी गांव के ही 4 लड़कों ने रास्ता रोककर उसे अगवा कर लिया। अगवा करने वाले लग्गू यादव, सुनील कुशवाहा, जीतू कुशवाहा और संतू लोकल बदमाश हैं। इन्होंने लड़की को अगवा किया और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। इसके बाद नाबालिग लड़की संतू कुशवाहा के घर ले जाकर लग्गू यादव उसके साथ रेप किया। रात करीब 10 बजे इन आरोपियों ने नाबालिग को इस घटना की जानकारी किसी को न देने की शर्त पर घर जाने दिया। पीड़िता ने घर पहुंचकर इस घटनाक्रम का खुलासा किया और पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, मुख्य आरोपी को लग्गू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में शामिल अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। लग्गू यादव उसके साथ 2-3 अन्य लोग थे, और लड़की को ले गए और उसको कमरे में बंद करके एक व्यक्ति लग्गू यादव साथ अनाचार किया गया है। उसमें धारा 376 5-6 का पकड़ पंजीबद्ध किया गया है, पॉक्सो भी लगी है। और हमारे TI साहब CRA साहब ने उसके मुख्य आरोपी लग्गू यादव को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। 10 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रकाश बंधु व उनकी गर्भवती पत्नी सहित 8 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर विरोध जताते हुए विश्व हिंदू परिषद ने SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस हत्याकांड की CBI जांच करवाने व पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बंधुपाल जी, उनकी हत्या, परिवार की हत्या के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हरदा जिले के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर यहाँ हमने ये मांग की है, आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और उन्हें तत्काल सजा दी जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की PM मोदी के अभियान को पूरा देश से समर्थन मिल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के
शोधार्थी छात्र अमित तिवारी ने पर्यावरण को बचाने और प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए साइकिल यात्रा शुरू की है, जो जिले की हर तहसील तक जाएगी। रोजाना 50 से 60 किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बाद अमित स्कूल व कॉलेज के छात्रों के बीच पहुंचकर पर्यावरण व प्लास्टिक से नुकसान के बारे में बताएंगे। 2 अक्टूबर 2019 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का एक संकल्प रखा, जिसे 2 अक्टूबर 2022 तक पूर्णतः संपन्न करना है। इसी संकल्प को लेकर पर्यावरण विषय का शोधार्थी छात्र होने के नाते, देश का एक युवा नागरिक होने के नाते, हमने ये संकल्प लिया है कि रीवा जिले के हर तहसील स्तर के कस्बे में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में जाकर युवाओं को जनजागरण के माध्यम से प्रेरित करेंगे, ताकि हमारे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः मुक्त हो। अमित के इस फैसले पर उनके विभागाध्यक्ष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पर्यावरण को लेकर यह रीवा में पहला और सराहनीय प्रयास है। इससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, शहर को साफ और स्वच्छ रखा जा सकेगा। और ये बहुत ही अच्छा अभियान है और शायद ये रीवा में पहली बार हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पॉलीथीन मुक्त भारत की कल्पना की है और आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक है समाज के लिए। पॉलीथीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। स्वच्छता अभियान तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। कई पशु मर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।